प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में बेशक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को हवा दे रहे हैं, लेकिन देश में बढ़ती बेरोजगारी एक गंभीर संकट बन गई है। एनएसएसओ के बाद एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के फैसले से देश भर में 50 लाख नौजवानों की नौकरियां हाथ से निकल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 की चुनावी रैलियों में हर साल 2 करोड़ नए रोजगार का वादा किया था, लेकिन उनके कार्यकाल में नोटबंदी के फैसले से लाखों नौकरियां चली गईं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद 2 साल में 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2019 के नाम से जारी रिपोर्ट कहती है कि साल 2018 में देश में बेरोजगारी की दर 6% तक पहुंच गई, जो 2000 से लेकर 2010 के दशक के दौरान बेरोजगारी की दर से दोगुनी है। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि 20 से 24 साल के नौजवानों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 1,60,000 परिवारों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट ये भी कहती है कि नौकरियां जाने के मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का नुकसान ज्यादा हुआ है। ये रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को रोजगार संकट पर फिर घेरा है। इससे पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।